के पास क्या उम्मीद करता हम जाकर मैं खैर सिंह के पास आज जिस सेटअप पर मैं मौजूद हूँ भाई आपको तमाम वैरायटी समझ लें ये मिनी जू कहलाता है। और इनके पास बात करें तो माशाल्लाह से आपको पिजेंस की वैरायटी देखने को मिलेगी, पीकॉक वगैरह की, फैंसी हैंस की, इसके अलावा भी काफ़ी ऐसी हैंस में वैरायटी है जो कि आपने मुझे नहीं लगता इससे पहले कभी देखी हो, तो काफ़ी ज़बरदस्त। अच्छा मज़े की बात क्या आप इनके पास मोर के बच्चे अगर आप घर पर तैयार करना चाहते हैं, बच्चे पालना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को जो है मिल जाएंगे इनके पास। और ये कि अगर बड़े मोर आप पालना चाहते हैं, जो लोगों का ख्वाब होता है कि यार मैं मोर रखूं घर में, तो ये कि आप वो भी इजीली पाल सकते हैं। और ये कि कोई मुश्किल नहीं है यार, बहुत इजीली जो है पल जाते हैं, जिस तरीके से आप मुर्गियां पालते हैं मुर्गियों से भी ज्यादा ये ठोस होते हैं और आप इजीली जो इनको पाल सकते हैं। तो चलते हैं भाई आप लोगों को पूरा ये सेटअप विजिट करवाते हैं, देखते हैं इनके पास क्या क्या वैरायटी है। आप जो इनसे कॉन्टेक्ट करना चाहे तो इंशाल्लाह ये कि वीडियो के एंड में इनका नंबर भी शेयर किया जाएगा, आप जो इनसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं और जो भी चीज लेना चाहे आप जो इनसे ले सकते हैं। और चलते हैं इलियास भाई की तरफ, देखते हैं आज हमें क्या क्या दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम इलियास भाई, क्या हाल है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो इलियास भाई माशाल्लाह से यार काफी जबरदस्त आपके पास वैरायटी, यहाँ पर हम लोग मोर वगैरह देख रहे हैं भाई, मोर जो लोगों का ख्वाब होता है कि हम यार करीब से देखें, तो ये कि आप घर पर पालना चाहे तो वो अच्छा। इलियास भाई यहाँ पर बताएं, लोग मोर में समझते हैं कि यार काफी मुश्किल परिंदा है, नहीं पाल सकते, तो क्या कहेंगे इस हवाले से आप? नहीं नहीं बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ही आसान है, बल्कि मुर्गी से भी आसान है, ठोस परिंदा है, ठोस जानदार परिंदा है ये, हर मौसम में सर्वाइव कर जाता है ये। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं काफी अलग अलग क्वालिटी, लोग समझते हैं कि यार मोर सब एक ही होते हैं, लेकिन इसमें काफी जबरदस्त वैरायटियां आती है, जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे। तो ये ब्लू शोल्डर कह रहा था, इसके ऊपर थोड़ी धारियां होती है, बाकी ये व्हाइट पिकॉक आ गया, बाकी आप लोग देख सकते हैं एक इसमें आता है पाइड पिकॉक। तो पाइड में मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ये देखें भाई ये जो आ रहा है ब्लू और व्हाइट और जो इसकी टेल आ रही है, तो ये बहुत जबरदस्त, इसकी टेल में जो व्हाइटनेस भी होती है और बाकी जो जिस तरीके से अलग जो सिंपल मोर होते हैं उसकी तरह भी जो इनकी टेल होती है। तो आप लोग देख सकते हैं इनके पास माशाल्लाह क्या क्या वैरायटी है भाई, ये देखते जाएं आप लोग, ये सारी मोर की वैरायटी आप लोग देख रहे हैं। तो ये तकरीबन इसमें तैयार है, तो इलियास भाई से जो आप कांटेक्ट करेंगे प्राइस वगैरह भी, इलियास भाई अगर जल्दी बता दे इनके रेट्स वगैरह। जी इनके साल वाले के रेट 16,000 रुपया जोड़ेगा, 15,000 लगा देंगे साल वाले का। जबरदस्त। और ब्लू शोल्डर ब्लैक शोल्डर जो है इनका 13,000 रुपया साल वाले का रेट है, ठीक है। और इसके अलावा जो इसमें आ जाता है अपना ब्रीडर जोड़ा ब्लू ब्लैक में, ठीक है, 24,000 रुपए का। स्पार्लिंग पैड वाला जोड़ा 40,000 का, नॉर्मल पैड का जोड़ा 32,000 का, ठीक है। सफेद का जोड़ा भी जो है ना ये भी 32,000 का, ये तैयार जोड़ा बिल्कुल ब्रीड, जबरदस्त भाई, रेडी टू ब्रीड है, ठीक है, ठीक है। बच्चे भी इनके आप लोगों को दिखाते हैं भाई अभी, तो यहाँ पर देखें भाई आप लोग बच्चों की कितनी जबरदस्त वैरायटी, इसमें भी काफी अलग अलग वैरायटी है, अभी आप लोगों को नाम बता दी लिया भाई, इनमें नाम वगैरह बताएं हमारी व्यूअर्स को। ब्लू शोल्डर है, ब्लैक शोल्डर है, व्हाइट है, ठीक है, उसके अलावा सिल्वर पाइट है, स्पार्लिंग पाइट है, बाकी इसके अलावा भी ग्रीन जावा वगैरह अगर किसी को चाहिए। अच्छा तो जावा वगैरह फार्म पे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, वो भी मिल जाएगी आपको, ठीक है। इनमें कम से कम क्या रेट है इलियास भाई, कोई पियर लेना चाहे तो? जो रेट वाला ना ब्लू शोल्डर और ब्लैक शोल्डर उसका रेट 9,000 रुपया जोड़ेगा, 9,000 रुपए पियर का, पियर आपको मिल जाएगा और इसकी उम्र तकरीबन 6 से 7 महीने, ठीक है जी। तो इलियास भाई अभी इनको एक छोटे पिंजरे में भी पाल सकते हैं, अभी अगर फिल वक्त छोटे एज में रखना चाहे तो? जी 4x4 का पिंजरा छोटा, उसमें भी अच्छा छोटे 4x4 में भी आप लोग जो इनको घर पर पाल सकते हैं। और ये कि आप लोग इसके बाद जो इसकी फार्मिंग भी कर सकते हैं, इनके बच्चे कुछ वक्त में जब आपके पास आना शुरू जाएंगे तो आप वो बच्चे भी जो है इजिली सेल कर सकते हैं, काफी आसानी से सेल हो जाते हैं। यस भाई इनमें क्या उम्र होगी इस वक्त? इनकी उम्र तकरीबन 6 महीने है, कुछ बच्चों की 7 महीने उम्र है, ठीक है, 6 महीने से स्टार्ट है, तकरीबन 6 से 7 महीने की इनकी एज है। तो इसमें भी मेल फीमेल आप लोगों को दिखाता चलूं मैं, अगर आप लोग बात करें तो देख सकते हैं मेल में जो थोड़े बहुत जो कलर जिस तरीके से आप लोग देख रहे होंगे, इसके जो है ये पाइड का पीस है, तो इसमें कलर आना शुरू हो गए कुछ भी हल्के हल्के कलर। जबकि फीमेल आप लोग बात करें तो ये देख सकते हैं, ये फीमेल है इसमें ब्लैक शोल्डर की, इस तरीके से ये ब्लू की फीमेल है। तो आप लोग जो इजीली इसमें जो है इलियास भाई आपको पहचान करवा देंगे, तो कोई कांटेक्ट करना चाहे तो इनसे कांटेक्ट कर सकता है। ये देखें कितनी खूबसूरत वैरायटी है भाई, आप लोगों ने इससे पहले कभी देखी नहीं देखी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। ये माशाल्लाह से बफ सेल की कहलाते हैं आप लोग, एज साइज वगैरह शेप वगैरह हर चीज देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कोई फुटबॉल हो, तो बिल्कुल वही साइज आप लोग देखें। तो अभी तो ये एक्सपर नहीं आई हुई, तो वो ये है कि बास भाई से आप जो कांटेक्ट कर सकते हैं, अभी आप लोगों को इनका भी नंबर शेयर करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर देखें तो रामा की वैरायटी, इसको पेयर को खड़ा करते हैं ताकि आप लोगों को दिखा सके। ये देखें भाई कितनी हाइट, देखें यहाँ से ये शुरू हो रहा है और यहाँ पर जाकर एंड हो रहा है, काफी समझ लें फैंसी मुर्गों में सबसे बड़ा साइज ये कहलाता है ब्रामा का। तो इसका भी जोड़ा अच्छा, अब्बास भाई इनके चिक्स वगैरह भी अभी मिल सकते हैं या फिर अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन
ठीक है, एक महीने में आना स्टार्ट हो जाएंगे, महीने बाद जो है आप जो, बाकी अगर ये पीएल लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप जो अब्बास भाई से, अब्बास भाई इसकी क्या डिमांड रखी इस वक्त? 25,000 रूपए का, सिर्फ और सिर्फ 25,000 रूपए का आपको ये जोड़ा मिल जाएगा जो कि ब्रीड कर चुका है पहले, और ये कि जैसे सीजन स्टार्ट होगा तो ये दोबारा से ब्रीड शुरू कर देगा। देखिए भाई ब्रामा में एक और वैरायटी, और इसका भी ये शेप वगैरह साइज वगैरह आप लोग देख सकते हैं। अच्छा इसकी आंख पर देख सकते हैं ये ग्लास लगाया जाता है ताकि ये अंडे वंडे ना खाए, तो इसलिए ग्लास लगाया जाता है, और लड़ते भी आपस में, नोचती भी है थोड़ा। तो अब्बास भाई यहाँ पर बताएं ये क्या वैरायटी और क्या डिमांड है इसमें? ये लाइट कोलंबियन का ट्रायो है मेरे, लाइट कोलंबियन, ठीक है, ये तकरीबन है 1.5 साल का, 1.5 साल का हो गया जी, ये 27,000 रूपए का फाइनल दे दूंगा ट्रायो। एक मेल दो फीमेल? जी दो फीमेल, एक फीमेल जरा इधर छोड़ी हुई बाहर, ठीक है, एक मिनट में दिखा देता हूँ। तो व्यद आप लोगों को एक मेल दो फीमेल 27,000 रूपए मिल जाएंगे, माशाल्लाह अच्छी क्वालिटी में, बहुत छोटे साइज में, बेंटम साइज में ये मुर्गियां होती है। अब्बास भाई गोल्डन सेब्राइड में क्या हिसाब किताब है, कितने पीस है? ये उसामा भाई गोल्डन सेब्राइड के दो ट्रायो है मेरे पास ब्रीडर, तो ये तकरीबन 1 साल से बड़े हैं, ठीक है, तो ये जिस भाई को चाहिए होंगे तो दे देंगे 12,000 रूपए का ट्रायो, 12,000 रूपए में एक मेल दो फीमेल जी। अरे वाह भाई वाह, और इनके चिक्स भी हैं मेरे पास 15 दिन से एक महीने के, ठीक है, ये देखे तो वो 700 रूपए का चिक्स मिल जाएगा, बच्चा भी इनका मिल जाएगा। देखे भाई कितना एग्रेसिव है ये, कि भाई कितनी खूबसूरत मुर्गियां हैं। तो अब्बास भाई ये कौन सी मुर्गियां हैं? ये एक ब्लैक सुल्तान की फीमेल है, ठीक है, और दो कुकू सुल्तान की फीमेल है, ठीक है, ये रेडी टू ब्रीड हैं, बल्कि एक तो स्टार्टर लाइन कर चुकी है। अच्छा लेंगे, स्टार्ट कर दिया। ये असल में इनका मेल मेरे पास एक्सपायर हो गया है, किसी को चाहिए होंगी तो, फीमेल लेना चाहे तो, फीमेल भी काफी खूबसूरत है, गार्डन में छोड़ना चाहे तो। बस भाई क्या डिमांड करा एक पीस की? ये 15,000 रूपए एक पीस की डिमांड है, अगर कोई तीनों लेगा तो उसको 40,000 रूपए की दे दो, ठीक है, तीनों फीमेल देना चाहे तो आपको 40,000। बाकी आप लोग भाई इनके पास माशाल्लाह से यहाँ पर ब्रामा के ये इनके घर के तैयार किए हैं। बस भाई ये क्या एज है, उनमें क्या डिमांड है? ये तकरीबन है 8.5 महीने, ठीक है, तो ये 10,000 रूपए पर पीस है, एक मेल है 4 फीमेल है, इसमें 2 फीमेल ने लाइन स्टार्ट कर दी है, ठीक है, जबरदस्त। तो इनमें भी आप लोग साइज वगैरह देख सकते हैं, साइज और बढ़ेगा, अभी तो ये इकट्ठे हैं, ठीक है, अभी तो समझ ले मेल भी क्रॉसिंग स्टार्ट नहीं की होगी, जी जी बिल्कुल अभी, ठीक है, तो ये है कि तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने बाद जो है बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई छत से लग रहे हो, अभी इतना फर्क नहीं है, लेकिन ये कि बहुत अच्छे साइज में, और बहुत अभी इनको शेप वगैरह फेस देखें आप लोग, बिल्कुल ऐसा लगे जैसे चील वगैरह ईगल फेस कहलाता है। तो अब ये कि यास भाई मोर के हवाले से कोई कांटेक्ट करना चाहे आपसे नंबर भी दे दे हमारी व्यूअर्स को, मोर या फीडर वगैरह के साथ भी कांटेक्ट करना चाहे तो मुझसे राबता कर ले, मोहम्मद इलियास नाम है मेरा, ठीक है, 0333-2436-366 ये नंबर है मेरा, सही, और इसके अलावा मजीद फैंसी मुर्गियां जो है आपने दिखाई है सेटअप पे उसके हिसाब से अगर कोई राबता करना चाहे तो मोहम्मद अब्बास भाई है, ठीक है, आप उनसे राबता कर ले बंदा, उनका नंबर है 0321-7561-492, ठीक है, मतलब मोर के हवाले से कोई, सॉरी फैंसी मुर्गियों के हवाले से, फैंसी मुर्गियों के हवाले से कोई राबता करे तो अब्बास भाई से राबता कर ले, ठीक है, 0321-7561-492 ये उनका नंबर है, ठीक है। तो अब्बास यास भाई रिहायश कहाँ है आपकी? ये रिहायश हमारी गुलशन मेमार का ये इलाका पड़ जाता है जी, इतवार बाजार नर्द करीब है इधर, ये इलाका हमारे गुलशन मेमार, ठीक है। तो ये कि सेटअप पर आना चाहिए, सेटअप पर भी आ सकते हैं? कोई मतलब नहीं, सेटअप पे भी आ सकता है, बाकी इतवार वाले दिन हम पूरा दिन सेटअप ही होते हैं, आम दिन में सुबह 11 बजे तक रब्ता करना तो कर सकता है, ठीक है, सुबह 11 बजे तक जी, ठीक है, चले ठीक है यास भाई, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया।